जयकारा शराबाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु जी महाराज जी का बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी, जय गुरु जी। और कैसा है मेरा प्यारा सा परिवार, हंसता खेलता परिवार। और हमेशा अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी से और माता रानी से यही दुआ है कि मेरी फैमिली के चेहरे पे सदा उनकी मुस्कान बनी रहे, किसी की बुरी नजर ना लगे, खुशियों की बहारें हों और चारों तरफ से उनको लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स मिले प्यारे गुरु जी महाराज जी की। और जो भी जिन भी देवी देवताओं को वो पूजते हैं तो उनका आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहना चाहिए। और प्यारी फैमिली जी, बहुत बार मेरे से बहुत ये जो कमेंट्स में मुझे मेरी संगत पूछती है कि आंटी जी आप क्या क्या भोग प्रसाद लगाते हो प्यारे गुरु जी महाराज जी को, तो आज का ये जो वीडियो है स्पेशली इसी टॉपिक पे है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी खिला सकते हैं जो भी वेजिटेरियन हो। और गुरु महाराज जी को प्याज वाला भोग भी लग जाता है संगत जी, गुरु महाराज जी प्याज वाली रोटी भी खाते हैं और खासकर उनको तो प्याज के परांठे इतने पसंद है ना। तो जो मेरी सहेली वंदना आंटी है ना, जिसको आप जानते हैं, हमेशा मेरे साथ वीडियोस में आपको दिखती है, तो वो तो स्पेशली जब भी प्याज का परांठा बनाती है तो गुरु जी महाराज एक मिनट में खा जाते हैं। सच्ची में गुरु जी ने ना उसकी बाइट तोड़ के यूं साइड पे रखी होती है और वो बंदना आंटी को खुश कर देते हैं कि नी मैं तेरा पराठा खा लेता, तो बंदना आंटी बहुत खुश होती है। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी महाराज, जो कि हंसते मुस्कुराते हुए हमें देखते हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं, घर घर को ब्लेस कर रहे हैं, शहर शहर को ब्लेस कर रहे हैं, नगरी नगरी को ब्लेस कर रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी सिटीज, कितने बड़े बड़े फॉरन कंट्रीज कह रही हूँ, कितनी बड़ी बड़ी फॉरन कंट्रीज जाने की, जो देश विदेश, यार ये एक्स्ट्रा हो गया ना, टपा 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 जाने की, विदेशों में भी गुरुजी का इतना बोल वाला है फैमिली, इतना बोल वाला कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर कोई अपने घर में गुरुजी का सब रूप ला रहा है, गुरुजी को गद्दी, उनकी गद्दी लगा रहा है, उनको अपने घर में विराजमान कर रहा है और अपनी जो ताले की चाबी है इनके हाथ में थमा रहा है। और क्यों थमा रहा है? क्योंकि ये हमारा बेड़ा पार करने आए हैं, ये हमें रास्ता दिखाने हैं आए हैं। तो प्यारे गुरुजी महाराज सब पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। तो संगत जी और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जी, जल्दी से आप भी मेरे चैनल को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि ये मौका मैंने चाहते आप मिस करो। मैं रोज रोज आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आया करूंगी और कुछ भी आपको बुरा लगे तो मुझे बताया करो, जो भी मेरे पास होता है, जो गुरु ज्ञान है, जो घर के काम है, जो भी मैं जो भी कॉन्टेक्ट लेके आऊँ ना, आपको देखना पड़ेगा भाई जबरदस्ती है भाई, क्या करूँ, क्योंकि आपको मुझे आगे बढ़ाना है और मेरे को पूरा पता है आप मुझे जरूर बढ़ाएंगे। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और एक उम्मीद से आगे ये मतलब रोज के अपने इतने बिजी शेड्यूल से वीडियो जरूर बना के पोस्ट करती हूँ और इसीलिए करती हूँ कि ताकि आप मेरा साथ दें, मुझे प्यार दें, मुझे आगे बढ़ाएं। तो जल्दी से वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे भी, और मेरी इंस्टा आईडी है anuraina221 anuraina221। तो जल्दी से गुरु महाराज के नाम की हाजिरी लगाते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद मैं आज दिखाती हूँ राजमा के बाद अब सेकंड डिश मैंने आज कौन सी बनाई है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी सामान से घर में अवेलेबल जो होता है प्यारे गुरु जी महाराज के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो जल्दी ही आपसे वो रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और मैंने आपसे कहा है जिस दिन जैसे कोई सत्संग ना हो तो मैं कोई भी कंटेंट में अपने घर का या कुछ भी डाल सकती हूँ, भाई मेहनत है कुछ भी डालूँ आपको देखना पड़ेगा। अरे अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो बनाना सीखनी है ना, मुझे पता है पता है पता है आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, पर एक हल्का सा जो मेरा भी तरीका है, जो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ कहानी में, तो वो भी सीखिए और मुझे बताइए कि क्या आप भी मेरी तरह ही सेम तरीके से बनाते हैं या आपका तरीका कोई अलग है। जय गुरु जी। और जल्दी से कर लेते हैं प्यारे गुरु महाराज जी के रज रज के दर्शन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अरे 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 संगत जी, मुझे बीच में ही रुकना पड़ेगा क्योंकि जब मेरी नजर पड़ जाती है ना तो फिर मैं रुक जाती हूँ। ये देखिए, नाम लेते ही गुरु जी ने अपने दर्शन देना शुरू कर दिए। ये देखिए ओम की ब्लेसिंग, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो गद्दी पर ये देखिए ओम बना हुआ है बिल्कुल फूल के नीचे। तो संगत जी आपको ना मुझे कमेंट में ना जरूर बताना है कि ये खाली मुझे ही दिखाई दे रहा है जो आप भी देख पा रहे हैं। तो देखिए ये
ओम की ब्लेसिंग गुरुजी ने दे दी है वीडियो को स्टार्ट होते ही, तो वो ब्लेस करते हैं मुझे और मेरा जितना भी ये जो यूट्यूब का परिवार है जो भी रोज ये वीडियोस देखता है, तो प्यारे गुरु महाराज जी हर एक को ब्लेस कर रहे हैं। तो ये वाला सब रूप भी अभी मुझे यहाँ लगाना है संगत जी, लेकिन उसके लिए अभी ड्रिल मशीन का कोई इंतजाम नहीं है, तो ड्रिल मशीन आएगी तो फिर ये सब रूप लगेगा मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। तो मंत्र जाप को कम्प्लीट करते हैं। ब्लेसिंग देख के ओम वाली मैंने बीच में ही रोक दिया था, तो माफी देना गुरु जी, क्या करूं जब ऐसे आप अपने नजारे दिखाते हो, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हो, तो मैं बोले बिना नहीं रह पाती गुरु जी, क्या करूं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो रज रज के दर्शन कर लीजिए मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली और गुरु महाराज जी, आपके सारे संकट हरेंगे। बिलीव कीजिए प्यारे गुरु जी महाराज जी पर। और जिन जिन के पास सब रूप नहीं है संगत जी, तो अगर वो मेरे नियर डियर रहते हैं तो मैं बाय हैंड उनको सब रूप दे सकती हूँ, बट अगर आप मुझे कहेंगे कि थ्रू कोरियर, तो वो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है संगत जी, और आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बूंदी वाली सब्जी। जी हाँ, ये जो हल्दीराम की बूंदी मिलती है इसकी सब्जी, और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए डियर फैमिली। इसके लिए मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है। इसके लिए मैंने 2 कप दही ले लिया है और उसमें 2 ही कप पानी ऐड कर लिया है, और इसे मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। और साथ ही मैंने 2 प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं और हरी मिर्च के स्लाइसेस कर ली हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और अब इस कढ़ाई में मैं डालूँगी सरसों का तेल। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार बनती है ये बूंदी की सब्जी। और तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें तड़के में डालेंगे 1 साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए प्याज जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए थे। प्याज को हल्का लाल होने देंगे, जलाना नहीं है, बस हल्का लाल करना है। जब तक ये मेरा प्याज लाल होता है तब तक मैं हल्का हल्का दही को मथ लेती हूँ ताकि दही फटे ना। ये देखिए प्याज एकदम बढ़िया सा लाल हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बूंदी के पैकेट। आप क्वांटिटी बूंदी की पैकेट सब अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अपनी फैमिली के, कि आपको कितने जनों के लिए बनानी है। तो मैं ये 5 से 6 बंदों के लिए ये सब्जी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट बूंदी ले ली है। तो इसे अच्छी तरह भूनना है, जलाना नहीं है, बस सिम पे भूनना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी स्वाद अनुसार। फ्लेम को लो ही कीजिए फ्रेंड्स। लाल साबुत मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आप चाहे तो गरम पाउडर गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। बस ध्यान रखिए कि ये सब जलना नहीं चाहिए। अब जाएगा इसमें फेंटा हुआ दही, और ध्यान रखिएगा अब रेगुलर आपको कड़छी चलानी है ताकि ये दही फट ना जाए। जब तक इसमें कोई बॉयल ना आ जाए तब तक ये कड़छी को चलाते रहें, और कलर भी अपने आप आ जाएगा। अभी आपको ये सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, लेकिन कुछ ही देर में जब बूंदी अपना रंग छोड़ेगी, हल्दी मसाले अपना रंग छोड़ेंगे, तो उसमें कलर आ जाएगा। तो एक बार ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी और जायकेदार सब्जी बनती है, तो ज़रूर खाइए, परांठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मेरे बेटे कृष्णा की तो बहुत फेवरेट है ना कृष्णा, बूंदी की सब्जी पसंद है नहीं? यस यस।
कड़छी को हिलाते रहे जब तक इसमें कोई बॉयल नहीं आ जाता। अभी नहीं मिलेगी, अभी बन रही है। बुआला डोगरी, हाँ डोगरी में बोलते हैं कि जब तक इसमें बुआला नहीं आ जाता तब तक इसको कड़छी को खिलाते रहें, फेरते रहें, कमाते रहें बीच में। गेड़ी में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे थोड़ी क्वांटिटी कम लग रही थी, तो आप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। साथ ही में मैं ये मिर्च कर ऐड कर देती हूँ, ये जो ग्रीन वाली मिर्च थी काटी हुई, तो फिर से चलाते रहें जब तक बॉयल ना आता हो। उंगलियाँ चाटते रहें, तो मेरा बेटा कह रहा है जब तक आप खा ना लो तब तक उंगलियां चाटते रहे। खा के चाटेगी वैसे ही दोनों टाइम, पहले एक बार चाट, पहले बिना खाए चाटे, हाँ फिर उसका टेस्ट देखे, फिर चाट के देखे, खा के चाटे, फिर उसका टेस्ट देखे। 100% लिखेगा आपसे। जी में बढ़िया सा बॉयल आ गया है और कलर भी आ गया है और दही भी बिल्कुल फटा नहीं है, तो आप चाहें तो अभी फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं। अगर घना करना चाहते हैं तो फ्लेम को चलने दें और धनिया पत्ती से सजा के इसे परोस भी सकते हैं। जय माता दी, जय गुरु जी। तो प्यारी फैमिली, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वाली सब्जी, बूंदी की, हल्दीराम की बूंदी वाली सब्जी, जो कि 10 रुपये का पैकेट मिलता है। तो बनाइए और खिलाइए और गुरु जी को भी भोग प्रसाद लगाइए, गुरु जी बहुत खुश होते हैं ये सब चीज़ें खा के। एक्चुअली जो भी हम प्रेम पूर्वक उनके आगे परोसते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं और फिर वो जो ब्लेस प्रसाद बन जाता है, तो फैमिली में परोसते हैं तो हमें मिलती है लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो प्यारी फैमिली, आप मुझे मिल सकते हैं हर रात 9 बजे वरुण मित्तल जी जय गुरु जी लाइव सत्संग में। जी हाँ, रोज होती है हमारी आपसे मुलाकात और बहुत प्यारा सा मेरा जो यूट्यूब का परिवार है उनमें से भी कुछ सदस्य जुड़े होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि वो वक्त होता है जिसमें होती हैं सिर्फ गुरु जी की बातें, गुरु जी के सत्संग, और जाने कहाँ कहाँ से संगत जुड़ रही है। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। और बार बार यही कहूंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एक हिम्मत बढ़ाइए, तो और भी उन लोगों की हिम्मत बढ़ाइए जो बेचारी घर बैठ के अपना जो भी टैलेंट होता है आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, फिल्में, गाने, मोटिवेशनल, ये सब देख के ना क्या होना है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए ना जो बेचारे घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, जिन्हें खांसने की भी इजाज़त नहीं है, फिर भी वो अपना अगर स्किल कोई आपके सामने पेश करते हैं तो कुछ लाते हैं आपके लिए बड़े ही सिंपल वे में, तो उन्हें ज़रूर आगे पहुंचाइए, ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन बने, उनको आगे बढ़ाएं, उनका साथ दें, मैं तो यही कहूंगी। और लगा दीजिए मेरे साथ जोर से जयकारा, जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। और जरूर बताइएगा आज की रेसिपी के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।